अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने वाले हैं सीताफल क्रीम। ये एक बहुत ही झटपट और इंस्टेंट बनने वाला डिज़र्ट है जो कि बहुत ही टेस्टी होता है खाने में। आप एक बार बनाओगे तो बार बार इसे बनाना चाहोगे। तो सीताफल क्रीम बनाने के लिए सबसे पहले मैंने आधा किलो सीताफल ले लिए। ये बहुत ही बड़े बड़े साइज़ के हैं, ठीक है। ये दोनों आधा किलो है सीताफल। और हमने शक्कर ले ली है। शक्कर मैं आपको बताऊंगी कि कितनी ऐड करना है। और अमूल की मैंने फ्रेश क्रीम ले ली है। सबसे पहले हम एक बॉल ले लेंगे। बॉल में हम फ्रेश क्रीम को डालेंगे। मैंने एक और आधा कप भरकर फ्रेश क्रीम ली है, यानी डेढ़ कप फ्रेश क्रीम हम यूज़ करेंगे। अब हम इसमें 6 टीस्पून शक्कर ऐड करेंगे। देखिए, इस चम्मच से मैं 6 चम्मच इसमें शक्कर ऐड कर रही हूँ। मेरे सीताफल बहुत मीठे हैं इसलिए मैंने 6 चम्मच ऐड की है। अगर आपके फीके हैं तो आप और ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं शक्कर। आप इसमें शक्कर का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, बट उसकी गुठलियाँ पड़ जाती है क्रीम में मिक्स करते वक्त, इसलिए मैंने शक्कर डाली है। शक्कर को हमें अच्छे से घुला लेना है। देखिए, शक्कर घुल चुकी है। अब हम इसको फ्रीज में रख देंगे क्रीम को ठंडा होने के लिए। अब हम सीताफल को तोड़ लेते हैं और इसके अंदर का जो भी पल्प है, सीताफल है, उसको हम एक बोल में निकाल लेंगे। देखिए, स्पून की हेल्प से इस तरीके से हमें निकाल देना है और इनके ऊपर के जो छिलके हैं उसको हमें फेंक देना है। तो अच्छे से इसका जितना भी पल्प है उसको भी हम साथ में निकाल लेंगे स्पून की हेल्प से। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को ज़रूर दबाइए, क्योंकि बेल बटन को दबाने से मैं जो भी नेक्स्ट या फिर नई नई रेसिपीज़ डालती हूँ वो सबसे पहले आपको फ्री में देखने मिलेगी। तो देखिए, इस तरीके से हमें सीताफल के पल्प को निकाल लेना है एक बोल में। अब हमें इनकी बीजों को निकालना है। तो आप विस्क की हेल्प से या फिर कोई स्पून की या फोक ले लें, उससे इसको प्रेस करते जाए 2-3 मिनट तक, तो इसकी बीजें निकलना शुरू हो जाती है। तो इसी तरीके से 2-3 मिनट तक हम इसको दबाते रहेंगे, प्रेस करते रहेंगे। तो देखिए आप देख सकते होंगे कि बीजें निकलना शुरू हो रही है। या फिर आप हाथों की हेल्प से भी इस तरीके से देखिए बीज निकाल सकते हैं। जो भी तरीका आपको इजी पड़ रहा है आप वो कर सकते हो। तो देखिए, सारे बीजें मैंने निकाल दी है। आपको अच्छे से चेक करना है, इसमें एक भी बीज नहीं होनी चाहिए। अब जो थोड़े थोड़े टुकड़े हैं सीताफल के वो मैं निकाल रही हूँ। मैं सर्व करते वक्त ऊपर से डालने के लिए मैंने इसको निकाला है। अब हम इसको विस्क की हेल्प से थोड़ा सा मैश कर लेते हैं। बिल्कुल हमें इसका पल्प नहीं बनाना है, थोड़े थोड़े से चंक्स रखने हैं ताकि जब हम क्रीम को खाएं, सीताफल क्रीम को, तो सीताफल हमारे मुंह में आए। तो देखिए, क्रीम हमारी ठंडी हो चुकी है और ये मैंने आइसक्रीम ले ली है। एक कप भरकर मैंने वनीला आइसक्रीम ली है। बिल्कुल प्लेन और वनीला फ्लेवर की ही आपको आइसक्रीम लेना है, दूसरे कोई फ्लेवर की सीताफल के साथ अच्छी नहीं लगेगी। तो आइसक्रीम को अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। आइसक्रीम हमारी मेल्ट हो चुकी है। अब हम इसमें सीताफल जो हमने क्रश किया था वो इसमें ऐड कर देंगे। बहुत ही इजी है, आप देख रहे हो, आपको गैस भी ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल झटपट अगर आपके घर में मेहमान आ रहे हो या फिर अगर आपको झटपट कोई डिज़र्ट बनाकर खाने का दिल कर रहा है तो आप ये बना सकते हो। और ये इतना टेस्टी होता है खाने में। देखिए, बन भी चुका, कुछ भी आपको इसमें तामझाम नहीं करना है। तो हमारी सीताफल क्रीम देखिए बनकर बिल्कुल रेडी है। अब ऊपर से जो मैंने सीताफल के टुकड़े रखे थे निकाल कर उसको हम डालेंगे ताकि दिखने में थोड़ा अच्छा लगे। अगर व्यूवर्स आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और इस रेसिपी को आप ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिए, आपको ये बहुत ही पसंद आने वाली है। तो मैंने थोड़े से बादाम के टुकड़े डाले हैं ऊपर से। अब इसमें कोई भी पिस्ता या बादाम ड्राई फ्रूट भी ऐड कर सकते हैं या फिर एज इट इज़ प्लेन भी रख सकते हैं। तो फिर मैं मिलती रहूँगी आपसे इसी तरह से नई नई रेसिपीज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।